हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जिसमें से आज हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो पराग कोष में सबसे भीतरी मतलब परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं। उसका प्रमुख कार्य होता है सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायता प्रदान करना। जो सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण देने के लिए ये सहायता प्रदान करता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन भारतीय भूमि विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय भूमि विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो पी महेश्वरी जी को भारतीय भूमि विज्ञान के जनक माना जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में अशंग जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे असंग जनन कहते हैं। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। अगर बिना निषेचन के जब पौधे का निर्माण होता है तो उसे असंग जनन ही कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी शामिल है और एक नंबर के लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन भी शामिल है। तो आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया किसने किया? तो नवाचिन ने द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय केंद्रक संबंधित है। तो ध्रुवीय केंद्रक जो होता है वो भ्रूणकोश से संबंधित होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज का निर्माण होता है तो बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और यहाँ पर बात करें कि फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल का निर्माण होता है, ये लिखा है अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। अगुणित कोशिका होती है तो जो परागकण होता है ये अगुणित होता है, वन यन होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भ्रूणकोश में अंड उपकरण पाया जाता है तो बीजांड की ओर पाया जाता है। तो बीजांड की संरचना ऐसे होती है, तो यहाँ पर जो होता है भ्रूणकोश होता है, यहाँ पर भ्रूणकोश होता है दो, यहाँ पर भ्रूणकोश होता है, तो ये बीजांड की तरफ पाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, दो निषेचन की क्रिया होती है तो दो निषेचन की क्रिया क्या है? एक नर युग्मक अंडकोशिका से तथा दूसरा द्वितीय कोशिका से संयोजन की क्रिया को दो निषेचन की क्रिया कहते हैं। जैसे एक अंडकोशिका जो एक नर युग्मक अंडकोशिका से तथा दूसरा द्वितीय कोशिका से संयोजित हो जाता है, तो इस क्रिया को द्वि निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी में भ्रूणकोश होता है तो त्रिगुणित होता है, थ्री यन होता है। आवृत बीजी में भ्रूणकोश जो होता है तो बीजाणु में भ्रूणकोश यहाँ पर उपस्थित होता है, या अगुणित हो त्रिगुणित होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।